सुबह के बजे 10:34 दूध पियोगी वाला येलो वाला नहीं नहीं दोगी बादाम बोलो बाय बाय बोल बाय बाय बोलो सबको सो गाइस बैक टू ऑफिस और धूप बहुत ज्यादा है। फोटो व्लॉगिंग से निकाल के रखा है इसको हेलमेट से अभी कैमरे को तो आज वो भी सेट कर दूंगा। अरे बाप ऐसा सीन है। सुबह आ गया हूँ ऑफिस में और सुबह के बज रहे हैं 11:05। कॉल आना स्टार्ट तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। आई होप यू गाइस आर वेल। नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, देखते हैं आज क्या होता है हमारी लाइफ में। हेलो 2000 years later सो गाइस 7 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ अपने घर के लिए। ऑफिस का सारा काम खत्म करके अब हम चले घर और ज़्यादा व्लॉगिंग हुई नहीं आज हमसे ऑफिस में। क्या है यहाँ वहाँ फ्लैट दिखाए फिर उसके बाद अब घर जा रहा हूँ। और त्रिशा का बर्थडे भी आ रहा था सो गया था केक वगैरह बुक करके आ गया हूँ। सो यही सब कहानी है। बाकी थोड़ा गर्मी बढ़ चुकी है यहाँ पर। हो गए हैं 9:45 ओहो तू तो सोनी साड़ी पे चलो यार तो यहाँ पर रुकना पड़ जाएगा हमें क्योंकि आगे सिग्नल हो चुका है। सो अब थोड़े टाइम में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा फिर उसके बाद जाऊंगा जिम में गाइस और उसके बाद आगे की कहानी आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी हाँ वही बोल रहा था कि कृष्णा का बर्थडे आ रहा है तो बहुत सारा काम है। सो शॉपिंग भी कराया नहीं अभी तक बस उसे केक का ऑर्डर किया है और अभी देखते हैं। और उस दिन जो छोटी बच्ची हुई है मेरी मतलब मेरी भतीजी उसका भी नाम रखना है। सो देखते हैं क्या नाम रखते हैं। आप लोग सजेशन में बताइए अगर कुछ ऐसे आप लोग को नाम बताए तो। आई थिंक ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक शायद नाम भी रख दूँ मैं या फिर नहीं भी रख सकता हूँ। हरे कृष्णा। आगे जा रही है BMW GS। अभी ये 3400 ही है शायद 370 है या फिर 1250 तो नहीं है। BMW मुझे भी एक दिन खरीदना है और खरीद लेंगे। क्या ये पैसा करके रखेंगे थोड़ी ना। और यहाँ पर लाइट भी चालू हो गया है और आज मतलब मैं बहुत दिन के बाद मोटो व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ। क्या है बीच में हेलमेट साफ किया तो एक दो दिन मैंने लगाया नहीं अपना माइक वाइक सो आज वापस इंस्टॉल किया और चालू कर दिया मोटो व्लॉगिंग करना क्योंकि तो व्लॉग अपने को रोज चाहिए। हाँ कभी कभी लगता है कि नहीं बनाऊँ मगर फिर धीरे से लगता है अगर नहीं करूँगा तो फिर क्या ही है लाइफ में अपने। इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ देखते हैं यूट्यूब हमें कहाँ पहुँचाता है। अभी पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या कि नहीं मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है यार आज।
छिकनाके के पास, क्या हो गया ऐसा, कुछ जल उल गया क्या यहाँ पे? कुछ तो जला है, बाप रे, ये दिल्ली जैसा ना हो जाए क्लाइमेट यहाँ का, बेकार। हो गए हैं 9:45, ओहो। अब मैं राइट में चलो ना यार, बाइक वाले फंस जाते ना, अजीब ही लगता है मुझे। चलो आंटी, देखो आंटी को, राइट में उतना स्पेस खाली है मगर जाना है यहीं से। अरे भगवान, कहाँ से ड्राइवर बन गए। बाप रे बाप, कुछ तो जला है यार, बट क्या, ऐसा क्या जल गया कि मतलब पूरा वातावरण ही चेंज हो गया यहाँ का। तो मुंबई में आजकल पानी नहीं है, मुंबई क्या इस साइड में भी नहीं है, नवीन मुंबई में भी नहीं है, सब जगह कट आउट है 2-3 दिन से। सो क्या ही बताया जाए, आप लोग के घर में पानी आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो। मेरे घर में तो टाइमिंग दे दिया है फॉर 4 डेज। कैसे तैसे घर पे पहुंच गया हूँ, मिलता हूँ आप लोग को थोड़े टाइम के बाद नहा धो के। अच्छा लगता है जब लिफ्ट रेडी हो आपके लिए और आपको घर पे लेके पहुंचा दिया जाए। आई ला, सो गाइस मैं आ गया हूँ, थोड़ा डीकैथलॉन जा रहा हूँ, आज जिम गया नहीं, मन नहीं कर रहा था मेरा, ऐसे थोड़ा विंडो शॉपिंग करने का मन कर दिया। और मेरे पास एक कूपन है, देखता हूँ अगर कोई टी शर्ट अच्छा लगा तो जिम के लिए टी शर्ट ले लूँगा, अदरवाइज ठीक है। थोड़ा बोर फील कर रहा था इसलिए आ गया। सो मैं आया था यहाँ पर एक टी शर्ट देखने, मगर इतनी सारी चीज़ है ना, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। भाई पहले शॉर्ट्स देखता हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि शॉर्ट्स तो है मेरे पास जो ऑलरेडी मैंने पहना है। ऑलरेडी मैंने ये वाला पहना हुआ है, जूट खरीदा था, अभी ले रहा हूँ, ये चेक करते पहले कैसा लगता है। सो मैंने लिया ये बैग, छोटू सा, और एक ये टी शर्ट वाइट। सो भाई ये टोटल पड़ा मुझे कुछ 1000 रुपीज़ का कूपन था मेरे पास, और 48 रुपीज़ और ऊपर से भरा मैंने। तो ये कूपन मैंने क्रेडिट कार्ड से निकाला था, बस हो गया, थोड़ा मूड सही हुआ, अब जाके नहाने का मैंने, जिम गया नहीं ना ही जाऊँगा। So guys मैं नहा लिया हूँ और किशन भी नहा चुकी है। मैं ये देखो ये बैग जो लिया उसका दिखाता हूँ आप लोगों के साथ, पकड़ो कैमरा, कैमरामैन कैमरा नहीं हूँ, देखो इसमें कितने फोटोग्राफर।
देखिए ये है और एक ये भी नहीं रहा। दिख रहा है, रुको उधर से दिख रहा है मुझे कितना है। इसमें मेरा फोन भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो इसके लिए लिया गया ये छोटू सा प्यारा सा पोर्टेबल बैग। ये तेरे बैग में ही है। यहाँ पर देखो एक बच्चा, क्या देख रहे हो बाबू? बाबा फ्लेक्सी हैवी है, नहीं बोल क्या देख रहे हो? मोबाइल, मोबाइल खा जाओगे।